अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम बैक टू माय पेरेंट्स यूट्यूब चैनल फूड एंड टूर विद एसबी। आज मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। इनफैक्ट आज मैं जहाँ पे आउटिंग पे जा रही हूँ वो मैं आप सबको दिखाऊँगी, सो दैट आप भी मेरे साथ इंजॉय कर सकें। तो अभी हम लोग फार्मेसी पे स्टॉप हुए हैं ताकि हम लोग मास्क ले सकें, क्योंकि आपको पता है कोरोना का टाइम है और मास्क के बिना आई डोंट थिंक सो कि हमें एंट्री मिल सकती है। सो दिस इज़ अ फार्मेसी एंड बस मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, तो वो मास्क लेकर आएँ और फिर हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया अपने बेबी को मैंने अपनी मम्मा के घर ड्रॉप किया बिकॉज इट्स टू कोल्ड आउट एंड बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है इस टाइम में बच्चे को बाहर लेके जाना। दैट्स व्हाई सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द न्यूली मदर्स, आप लोग प्लीज़ अपने बेबीज की बहुत केयर करें और उनको सर्दियों में बाहर लेके जाने से परहेज। गाइस हमारा मास्क आ चुका है और अब हम लोग ने कंटिन्यू कर दिया है। मास्क का करते ऐसे ऐसे मुजरिम से भेजते हैं, वो अलाउ नहीं करते। मुझे कहते हैं मास्क लगा वही तो लेने आया हूं। अच्छा फार्मेसी वाले भी अलाउ नहीं कर रहे थे मास्क पहले? मैं कहा वही तो लेने आया हूं। अच्छा चलो ठीक है ले ले। यार यहां पे नया खुला है हंग्रीज, कोई इधर राशन नहीं होता, पता नहीं क्या बात। अच्छा ना हो। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम जा रहे हैं मॉल में। मॉल मोहसिन कौन सा मॉल है? इम्तियाज मॉल, आई थिंक न्यू ओपन हुआ है गुलबर्ग में। गुलबर्ग में है ना ये मॉल? यस न्यू ओपन हुआ है ये और आज हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ विजिट करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। ये हम लोग माल रोड तक आ गए हैं और वो अल्हम्रा सेंटर है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं देखते हैं। घर सर्दी भी बहुत है और सुबह बारिश हुई थी लेकिन अभी इतनी फोग नहीं है ना। फोग नहीं ने? नहीं फोग नहीं है, बारिश की वजह से फोग नहीं है। यस फोग नहीं है लेकिन सर्दी है। परफॉर्मेंस भी दी थी अलमरूज में? नहीं अलमरा में, हाँ अलमरूज जब मैं उसमें थी स्कूल में। नहीं एजुकेटेड में थी जब, एजुकेटेड में थी जब। आप लोगों ने देखा मेरे हस्बैंड कितनी अच्छी ड्राइविंग करते हैं, कितनी अच्छी। अब तो खाली रोड्स हों और मेरे हस्बैंड ड्राइविंग करें, इतना मज़ा आता है उनके साथ बैठने का, इतना मज़ा आता है ना दैट आई कैन नॉट टेल इन वर्ड्स। सही बात है। यस लवली दिस रोड इज माय फेवरेट। अब हम आ गए हैं एमएम आलम रोड पे, एमएम आलम ओके मेन बुलेवार्ड रोड पे हम आ चुके हैं और सदीक सेंटर है। या दिस इज सदीक सेंटर। एक्चुअली मुझे इससे पहले कभी भी इतना रोड्स का आइडिया नहीं हुआ बिकॉज स्टार्टिंग से मुझे मेरे फादर ने पिक एंड ड्रॉप दिए, तो मुझे कभी इतना आइडिया नहीं हुआ कि कौन सी रोड कहाँ पे जाती है कहाँ पे नहीं। ये सीधा हमारे डेस्टिनेशन की तरफ जाएगी। यस ट्रू। इम्तियाज की तरफ। इम्तियाज मॉल। यस इम्तियाज मॉल। जब ये सीधा भाई ये ब्लू रंग का शुरू हो जाएगा। हाँ तब से शुरू हो जाएगा। सही है, यहाँ से पास है, दूर है, एक मिनट का पास करेगा। अच्छा वन मिनट भी सस्ता है। जैसे भी एक मिनट का पास करेगा। सामने एक्स है यहाँ पे ना, वो आ रहे इम्तियाज इम्तियाज कहाँ पे? वो
सामने इम्तियाज आके नजर। तो ये था हमारा मॉल और अब हम आपको जाकर इसके अंदर दिखाते हैं कि इसके अंदर बेसिकली है क्या। ये है सामने इम्तियाज मेगा। सो गाइस जिस तरह से हम आए थे उसी तरह से हम जा रहे हैं। बताएं क्यों जा रहे हैं हम? थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, थोड़ा सा 15 मिनट से लेट हो गए हैं और मॉल बंद हो गया। 9:30 में उन्होंने मॉल बंद कर दिया। हमारा आइडिया था कि 10 o'clock तक ही ओपन करेंगे लेकिन उन्होंने 9:30 बंद कर दिया और बैड लक। अब देखते हैं हम कहाँ चलते हैं नेक्स्ट। जिस जगह जिसके लिए आए थे वो तो हमें मिला नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमने क्या देखा। लेकिन अभी हम अब हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे नेक्स्ट डिनर के लिए। डिनर के लिए? डिनर के लिए जाएंगे। अच्छा सर्दी की वजह से रोड पे बिल्कुल एम्प्टी हुई है। गाइस अब हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं और हमने जो जगह सेलेक्ट की है वो है जूसी चक। वो भी इधर गुलबर्ग में ही है लेकिन हमें एड्रेस थोड़ा सा कंफ्यूज करा था तो हमने उसके लिए मैप स्टार्ट कर लिया और अब हमें मैप बताएगा कि अब हमने कहाँ जाना है। देखिए समोसा ये बात। बेस्ट समोसा। बेस्ट समोसा ही बहुत बड़ा समोसा खाते हैं। इसके हर वक्त गरम समोसे मिलेंगे आपको। ये वो तो नहीं मुझे आप कहते चिकन समोसा होते हैं या फिर आम नॉर्मल समोसा होते हैं। आप चेक करते जाए भी काफी फूड पॉइंट्स है। इधर ही कहिए यस सफारी होटल आई थिंक इसी साइड पे वो देखे सामने वो है। गाइस अब हम कार पार्क करेंगे और देन अंदर जाएंगे। पार्किंग अच्छी है ना? हाँ मेरे का डाइनिंग इधर है कि मेरे को टेक अवे लग रहा है। मुझे भी टेक अवे लग रहा है। ओके गाइस सो बाय वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है तो हमने सोचा कि हम लोग क्यों ना आज आउटडोर डाइनिंग करते हैं। सो अब हम लोग मेन्यू देख रहे हैं सो दैट हम लोग ऑर्डर दे सकें। रैप्स एंड सैंडविचेस। ये बर्गर है, बीफ बर्गर है। ये तो नहीं है? ये है, एक ये है, एक ये कर लेते हैं। क्रीमी मशरूम मेल्ट, एक क्रीमी मशरूम कर लेते हैं। ऑर्डर दे दिया हुआ है और अब हम 25 मिनट का वेट करें क्योंकि हमारा ऑर्डर 25 मिनट तक आ जाएगा। गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है और ड्रिंक्स भी इसके साथ अभी आ जाएंगी। तो जब तक ड्रिंक्स आ रही हैं क्यों ना हम इसको स्टार्ट करें। यस स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है एंड वी कार वी कांट वेट एनी मोर नाउ। तो गाइस मैंने तो अपनी ड्रिंक कंप्लीट कर ली थी लेकिन मेरी वाइफ से कंप्लीट नहीं हो सकी इसलिए हमने इसको पैक करवा लिया है। अब हम इसको रास्ते में जाते जाते पियेंगे और तो किसी और चीज़ के साथ शिकार के साथ पियेंगे। यस ही इज़ राइट। हमने यहाँ से अपना फूड डन कर लिया, मुझसे जूस बिल्कुल भी मेरा पूरा कंप्लीट फिनिश नहीं हो सका। सो अब हम सोच रहे हैं कि हम दूसरी जगह पे जाएं और वहाँ से भी कुछ ट्राई करें। सो लेट्स होप कि वो जगह अभी भी ओपन हो और हम वहाँ से जो हम खाना चाह रहे हैं वो हम खा लें। लेकिन अभी हम अपने बिल का वेट कर रहे हैं। जैसे हमारा बिल आता है हम बिल पे करके यहाँ से निकलेंगे
एंड देन आपको दिखाते हैं फिर. ओके हम लोग फूड के बाद, डिनर के बाद हम लोग कोई कॉफ़ी या आइसक्रीम इसलिए नहीं हम लोग खा रहे क्योंकि हम अभी घर से बिल्कुल अभी घर से निकलने से पहले फिश खा कर आए थे, तो हमने बहुत टेस्टी फिश बनाई हुई थी तो हम लोग बिल्कुल ही मना नहीं कर सके, इसलिए हमने वो फिश खाई, बहुत ज़्यादा खा ली. तो अब हम लोग वही थोड़ी सी एहतियात कर लें कि हम ना खाएँ, ना ही कोई आइसक्रीम खाएँ, ना ही कोई कॉफ़ी पिए, उसके बदले में कोई कुछ और खा लें, कोई फूड खा लें, है ना. रोज नहीं खा लिया ना, मुझे अच्छी लगती है ऐसी खाली खाली रोज. Now we are heading towards Cafe Rillard और इस टाइम काफ़ी लेट हो रहा है, बट आई विश के वो इस टाइम ओपन हो क्योंकि मुझे और मोहसिन को पास्ता की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही. सो आई विश एंड आई होप. मोहसिन यहाँ से कितना दूर है? 2 मिनट्स की दूर है बस. वाओ, और अगर मैं आगे से फिर से उसके सुनने को मिला कि कैफे बंद है तो फिर हमारा कैफे रिन्यूड बस आने वाला है एंड एंड एज ऑलवेज वो भी बंद है, क्योंकि मुझे लगता था कि हम जितनी लेट जा रहे हैं वो बंद हो जाएगा. अब जब हमें कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए तो अब हम जा रहे हैं डोमिनोज, वैसे तो मौसम को इतनी कोई भूख शूख है नहीं, नहीं है ना, नहीं है ना. हाँ, वो सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे. Here we go. क्या हुआ? Yes. आप तो नहीं खाएंगे ना? मैं तो नहीं खाऊंगा. हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया हुआ है. डाइनिंग वाला तो कोई सीन है नहीं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है हम अपना ऑर्डर लेके हम चले जाएंगे. तो हमने स्मॉल में चिकन टिक्का ऑर्डर किया क्योंकि मोहसिन ने तो खाना नहीं था, उनका तो मूड नहीं था, मुझे मेरा मूड था खाने का. सो आई हैव ऑर्डर फॉर माई सेल्फ. नाउ अब अपने ऑर्डर का वेट करेंगे हम. बल्कि कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं हम. सो गाइस, हियर इज़ माई ऑर्डर. मेरा हमारा ऑर्डर आ चुका है और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है. हमने अपने बेटे को भी मम्मा के घर से पिक करना है. बस दिखाते खाते अपने घर चले जाऊँगी. सो गाइस, वी आर बैक टू आवर होम. सो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे पेरेंट्स के चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.